देखिए, ग्राम में जो वस्तु, कोई भी वस्तु हो जिसका मान लीजिए कि मार्केटिंग प्राइस जितना भी हो, आपसे मान लेते हैं कि आप कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, आप जैसे 20 रुपये पहले हम लोग साधारण समझते हैं, तो उसके क्रिटिकल करते जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले, सबसे पहले उसको साधारण समझ लीजिए, तब तो उसके जितना हो हार्ड होगा उतना हार्ड करता जाएगा आदमी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मान लीजिए है कि मार्केट में चीनी 20, मतलब जैसे 1 केजी का मूल्य कितना है, 1 केजी का मूल्य कितना, 20 रुपया, 20 रुपया, ठीक है, कह रुपये है, 20 रुपया। 1 केजी में केजी के मूल्य कै रुपया है, 20 रुपया, ठीक है। 1 केजी में ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम होता है, कोई दिक्कत होता है। 1 रुपये में पैसा कितना होता है, 100 पैसा होता है, तो इसको भी हम इसको पैसा में बदल लेते हैं, हो जाए। यानी कि अगर हम बात करें 1000 ग्राम बराबर इसका रुपया में 100 से गुना करना पड़ जाएगा हमको, तो कितना रुपया हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा पैसा। मतलब ये 2000 क्या हो जाएगा, पैसा। ये था रुपया बाबू, और ये हो गया क्या चीज, पैसा, ठीक है। इस पैसा में इसको बदल दिए, यानी कि अगर हम 1000 ग्राम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो हमको उसको कितना पेमेंट करना होगा, 2000 पैसा जमा करना होगा, पैसा अगर आपके पास है तो। यानी अगर यूं कहें तो अगर 1 ग्राम का अगर दाम कोई पूछ रहा है, 1 ग्राम का, 1 ग्राम का दाम कोई पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा इसका, 2 पैसा। यहाँ पे हम भागा देंगे ऐसे, बटा 1, दिक्कत। यानी कि 1 ग्राम का कितना पैसा आया, 2 पैसा। 1 ग्राम का अगर कोई वस्तु है तो उसका हमको पैसा कितना देना पड़ेगा, 2 पैसा। कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर इसको 1 ग्राम का आधा कर दिया जाए, आधा ग्राम किया जाए, अगर इसको आधा ग्राम कर दिया जाए तो हमको 1 पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी हम 2 से भागा दे देंगे, कट जाएगा तो कितना जाएगा, 1 पैसा। यानी कि अगर इसके आधा कर देंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, 1 पैसा देना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर रखो। अब अगर हमसे 10 ग्राम का दाम पूछ रहा है, कई ग्राम का दाम पूछ रहा है, कई ग्राम का दाम, 10 ग्राम का दाम पूछ रहा है। हम अगर 20 ग्राम और 100 ग्राम का विधि निकाल रहे हैं, हम कई ग्राम का निकाल रहे हैं, 10 ग्राम का। तो 1 ग्राम का बाबू पैसवा, बाकी पैसवा था 2 पैसा, 2 पैसा था, कितना, 2 पैसा, सॉरी पैसा, पैसा लिखते पैसा, कोई दिक्कत। तब हमसे पूछा जा रहा है कितना का, 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम ठीक, कितना हो जाएगा, 20 पैसा हो जाएगा। अगर कोई रुपया का बात कर ले तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 20/100 कर लेंगे, कर लेंगे, सॉरी 100 कर लेंगे, 20/100 क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, कर सकते हैं, 20/25 यानी कि 1/5 रुपये, 1/5 रुपये उसको देना पड़ेगा हमको, है कि नहीं, 10 ग्राम के। अगर ये वस्तु 50 ग्राम हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका अगर हमको 2 पैसा है 1 ग्राम का, तो हम उसको क्या निकालेंगे, 50 से गुना करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे, 50 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 100 पैसा, 100 पैसा, अर्थात 1 रुपया उसको हमको क्या करना होगा, जमा करना, 50 ग्राम में कर पा रहा है, 1 रुपया जमा करना होगा, ठीक है, क्लियर। अगर अगर वो 100 ग्राम का पूछे,
कितने ग्राम का बाबू? 100 ग्राम का मैं पूछ रहा है, 100 ग्राम का अगर दाम पूछ रहा है तो सीधा हम 2 पैसा में गुना कर देंगे 100 से, कितना जाएगा? 200 पैसा आ जाएगा। और 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है 1 रुपया में, तो कितना हो जाएगा? 100 से भाग देंगे तो 1 रुपया आ जाएगा, 2 रुपया आ जाएगा। क्लियर? ये बेसिक था, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। यहाँ हम देखो 1 ग्राम से चलते आधा ग्राम तक के भी निकाले, आधा ग्राम से 10 ग्राम के भी निकाले, 50 ग्राम के भी निकाले और 100 ग्राम के भी निकाले। इतने में कोई पूछता है? 1 ग्राम के पूछ देता है, आधा ग्राम को कोई पूछ दे बा तो रखे हम आधा ग्राम के निकाल के देखें नहीं। राणा जी यही बताइए, और कौन कौन ग्राम कितना ग्राम पूछ सकता है लोग आपसे? अपने से बोलिए कितना ग्राम का आपको चाहिए, अभी बोलिए, जल्दी बोलिए। 750 इनका ये पता ना चलो 750 कितना ग्राम होला, ठीक बा? 750 कितना ग्राम होला? 7000 हो गए 1 किलो में, आ तू 7000 लेके जाता रहा तो 7 kg हो जाए एक बार में, है कितना होगा? 3 पाव। ये पाव नहीं चलता, यहाँ पाव नहीं बेचा रहा है बाबू, 1 किलो बटखारा नहीं चल रहा है, ये न्यूमेरिकल है, इसको समझना पड़ता है। 750 ग्राम, ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 750 ग्राम, यानी कि 750 ग्राम के दाम चाहिए इनको, तो 2 × 750 यानी कि 5 × 10 = 14 = 15 में 100 से भागा 0 से 0 15 रुपया आ गया 750 ग्राम के, ठीक है। कितना रुपया आया? 15 रुपया आएगा, यानी कुछ चीनी का मूल्य कितना आ जाएगा? 15 रुपया दीजिए, 750 ग्राम का निकल गया, कोई दिक्कत? और किसी को? और किसी को नहीं, अब मेरा वजह से चलिए, अब मैं फिर आपको वहां लेके चलता हूँ। यहाँ तक तो कोई सब कुछ समझ गया ना, ये वीडियो देखते रहिएगा आपको फिर समझ में आएगा, घरे भी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम यहाँ आपको दर्जन तक कंप्लीट करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, दर्जन तक कंप्लीट करवा देंगे। हाँ कहो चप्पल चोरे लो, कहो चप्पल छोड़ दे लो, घोर दी कर बनवा दे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अगर डायरेक्ट हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट 20 रुपये मतलब 1 kg का मूल कितना रुपया है? 20 रुपया, मान लीजिए चीनी 20 रुपया है, 20 रुपया है 1 kg का, ठीक है। डायरेक्ट उससे इससे इनसे पूछा गया कि बताइए बाबू 100 ग्राम के दाम हमारा कितना होगा, डायरेक्ट, ठीक है, कै रुपये है? 20 रुपये है, तो 100 ग्राम का डायरेक्ट इनसे दाम पूछा जा रहा है, तो इन्होंने कैलकुलेशन हम नहीं ना करेंगे कि कैसे नहीं ना करेंगे, करेंगे क्या? नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट इनको बताना है कि रुपया में कितना होगा, ठीक है। तो क्या करना है कि दिमाग में सारी कैलकुलेशन करना है, 20 × 1000 × 100 ग्राम, कोई दिक्कत? कर सकते हो ना जी, 2 जीरो से 2 0 खत्म, 10 टकिया से 10 टकिया खत्म, 2 रुपया नहीं कर सकते हो का? आ सकता है ना, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया बाबू, देखो मैं आपको यहाँ से स्लो मोशन में समझाता हूँ, कि साउथ के फिल्म के स्टाइल में रखा और स्लो मोशन में समझे, मतलब हमने के भोजपुरी स्टाइल में, भोजपुरी स्टाइल में दुगो गरी आवे ला फिर दौड़ के जा ले तब जाके मार ले वो मुँह का, वो 10 बार देखा वो मुँह को आके मारी तो साउथ में एक बार तुरता देवे ले है देखा। तो हम लोग क्या किए कि पहले ही हमने जो इसको क्या किया कि बी जो इसको हमको जैसे 100 ग्राम का दाम चाहिए था तो क्या किया, पहले 20 आगुने कथी कर दिए 100, अब बाटा में क्या कर दिए 1 kg को भेज दिए, और 1 kg में कितना 1000 होता है, हमारा दिमाग कहता है 1000 होता है, हमारा दिमाग कह दिया कि कितना 1000 होता है, 1000 होता है, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, आंसर आ गया 2 रुपया।
कोई दिक्कत ना बस हो जाएगा आ गया तई भोजपुरी स्टाइल वाला स्लो मोशन में हाई वाला साउथ स्टाइल ठीक बा। आप सुनिए कुछ लोग के मन में सवाल चलत हो खाली बीसे पर बुझा बताओ तो बुझाता रट ले लोगे का आगे भी बताएंगे कारज धीरे होते है काहे होता धीरे ना काम धीरे धीरे होता है। पहले आप अपना बेस कंप्लीट कर लीजिए। देखो जब कोनो हत कोनो के सीखे के नू पढ़ावे के सीखे के आ चाहे कोनो खेल सीखे के आ चाहे हजाम होख तो केस काटे के सीखे के होके तो जात चुन लिया अहिर केहू काट बना बोली मतलब भूखा वहाँ रही आजकल के अहिर लोग तेज हो गए थे। आ अगर अथी होके आ जैसे का होके जैसे पढ़ावे के होके तो सबसे लेहा जो लड़का होके सबसे लेहा लड़का ओकरा के पकड़ल तुझे के कब हूँ हैगा हूँ तुझे के कब ते के हूँ कही है कि ना तो अपन मजबूत बेस मजबूत करे तो सबसे बड़ा गधा के पकड़े के चाहिए है कि ना ताकि उसे बेस मजबूत हो जाए आपका। इसलिए हम आपको पहले बेस को मजबूत करवा दे रहे हैं कि 20 पर समझ लीजिए केंगे केंगे सवाल आता है बाकी सब रख रख के अपना देख लीजिएगा। हम 2500 रुपये रखवाएंगे 300 रुपये रखवाएंगे 200 रुपये रखवाएंगे 500 रुपये रखवाएंगे लेकिन पहले बेस मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए का हो। चलिए तो पहले बेस मजबूत कर लीजिए फिर देखिए। अगर सोच लीजिए कि अगर 20 रुपये मतलब 1 केजी का मूल्य कितना है 20 रुपया पहले 20 वाला समझ लीजिए पूरा कई रुपया दाम है 20 रुपया आपसे पूछा जा रहा है कोई ग्राम के 10 ग्राम के 10 ग्राम के पूछ लो ज्यादा घटिया लोग तो 5 ग्राम के पूछ लो अगर हम लक्ष्मीपुर के हो बस बुढ़ा तो 5 ग्राम के पूछ लो है कि ना तो चलो 5 ग्राम के पूछ ले लो। चलो तो मान ले कि 20 गुने कई ग्राम 5 ग्राम बट्टा 1000 कोई दिक्कत तो 0 से 0 खत्म 20 पचे सर 5 दुना 10 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 रुपया ठीक है कितना जाएगा यानी कि 0.1 रुपया यानी कि 100 पैसा कह नहीं सकते 100 पैसा कह सकते ना पैसा बदलेंगे तो 100 पैसा से 100 से गुना करेंगे जैसे ही सबको पैसा पैसा बदल तो 100 पैसा नहीं हो जाएगा सॉरी 10 पैसा हो जाएगा 10 पैसा हो जाएगा 10 पैसा हो जाएगा ठीक है हो जाएगा। इस तरह से आप 10 ग्राम कह कई ग्राम का दाम था 5 ग्राम 5 ग्राम के निकाल सकते हैं ठीक है 5 ग्राम के इतना आ जाएगा यानी कि 0.1 पैसा ठीक है। कुछ लोग देख दिक्कत है ना समझने में ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि नहीं हमको चाहिए कई ग्राम के 20 ग्राम के कई ग्राम के 20 ग्राम के तो देख लीजिए 20 ग्राम के तो 10 गुने या 20 लिखेंगे और बटा 1000 जीरो से जीरो जीरो से जीरो खत्म 5 दुना 10 ठीक है 5 दुना 10 अब तो नहीं कटेगा ना तो इसको काटेंगे तो कितना 0.4 रुपया कट जाएगा 5 × 20 आ जाएगा ना किसको दिक्कत ओके हाँ ठीक है। अब ना को दिक्कत बा 50 ग्राम के आराम से निकल जाए सीधे रखेंगे 50 बटे 1000 काटेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है दिक्कत ना हो जाता चलिए बाबू ये तो मिटा गया सब ना। अब आप लोग एगो हमको बना के दिखाइए कि मान लीजिए कि 1 रुपये दा अथी 1 केजी कोई वस्तु है सब कोई कापी कलम खोज लीजिए उसी समय से बैठे थे तो हम सोचे कि कुछ करवा लिया जाए आ 20 रुपया दामो बा कर का दाम बा 75 ग्राम के दाम बताए के बताओ बनाइए ना चलिए देखिए। तो अगर 75 ग्राम के दाम निकालना हो तो क्या करेंगे यार 20 गुने 75 कुल दिक्कत अब बटा 1000 जीरो से जीरो खत्म 25 चौका
पच्चीस दिया पचहत्तर पच्चीस सौ का सौ अब दो दूना चार तीन बटा दो डेढ़ दूना डेढ़ रुपया डेढ़ रुपया होता है पचहत्तर ग्राम का डेढ़ रुपया होगा ठीक है समझ आया काटने में का तरीका थोड़ा सुधार हो समझ जितना आसान काटोगे उतना हिसाब अच्छा लगता है मतलब ये हिसाब फंसने वाला था उतना भी उसी समय से समझा रहे हैं तुम लोगों को कैसे चलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया आया ना ठीक है सबको आनी चाहिए थी नहीं आया कोई बात नहीं आम काटने वाला भी दिए थे कितना सुंदर से सड़ी वाला धरी एक काट दीजिए दोनों चलिए फिर से को हिसाब बनाइए आप लोग नब्बे ग्राम है कितना ग्राम है नब्बे ग्राम है निकालिए नब्बे ग्राम कोई वस्तु है उसको निकालना ठीक है हो गया जी चलो ना काटा तो घास ही ले ला तब काटा कहीं कर जाए देखिए बीस गुने नब्बे इतना तो सबको लिख रहा होगा इतना कितना लोग लिखा है सबको लिखा है चलिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म पाँच दूना दस अठारह पच्चे नब्बे एक दशमलव आठ ना समझ लो नु तो सुन के करिए हे के मत कटिए धर ना समझ लो नु तो के मत कटिए कोई दिक्कत जैसे बीस बानू तो यहाँ करिए कोई दिक्कत सुन बटा कितना बा एक हजार ये जीरो से एगो जीरो काट दो बीस पच्चे अठारह पच्चे हाँ मतलब पचास अठारह पच्चे नब्बे अठारह पच्चे नब्बे और यहाँ एगो दस यहाँ अभी जो जो पचास है इसको दस पच्चे पचास होकर गए तो कितना बोले दस आठ मतलब अठारह बटा कितना हो गए दस अब तो हो जाए कहूँगे कर सको ला अब तुरा जब खाली नौ बटा पाँच आए ना तो एक लिख लेती है फर्टी में डालती पालवानी विधि वाला अभी डालती पाँच एकम पाँच एक कितना जाती है चार दशमलव आठ पाँच ये होंगे भाग अलग आसो कल ना कट जाओ तब बुद्धि आप लग बा ठीक बा भगवान बुद्धि देले वाला तो गाधा से मत चरावा हो गया चलिए अरे देखिए बहुत ही मतलब ये अगर वीडियो आप देखिएगा घर पे तो आपको सब समझ में आ जाएगा यहाँ भी समझ में आ रहा है इतना इतना करवाने के बाद तो गाधा भी हिस्सा बनाने लगता है अब आपको नहीं आ रहा है तो हम क्या करें भगवान आपको गाधा से भी कुछ और बना दिया है गाधा एगो कौन आरो कौन जानवर होता है मतलब गाधा गाधा से और क्या गाधा हो सकता है नहीं बैल तो अच्छा जानवर ठीक है गाधा से और कुछ गाधा मतलब मान लीजिए अब चल रही पच्चीस किलो पच्चीस रुपये कोई वस्तु हो गया है आपके रुपये हो गया एक के जी मतलब एक के जी का दाम कै रुपये हो गया बाबू पच्चीस अभी प्याज कै रुपये के जी है मार्केट में कै रुपये बा कै रुपये बेचे लो तू बोलो ना मर दे चालीस रुपये बेचे ना चालीस रुपये पैंतीस रुपये क्या धरी मोदी जी पहले दाम आदमी कम कमे खाई सर बताओ तो पहले तोरे से जो लोग सरकार के घाटा में डाल देबा आए बा हमनी के आठ लाख से ऊपर के हमनी बार बार से एक लाख से नीचे है कि ना तो टैक्स दे दो कहाँ जाता है
भाई देखो, एक केजी के प्याज का दाम कई रुपया हो गया? 40 रुपया। कई रुपया? 100 ग्राम के दाम पूछ लो चलो बा। कई ग्राम के? 100 ग्राम प्याज ले ले हम मुर्गा के नींद ला। 100 ग्राम हो जाए? नहीं ये हुई। 40 × 100 ग्राम बाटा कितना? 1000। 0 × 3 = 0 खत्म। 4 रुपया हो गए। कई रुपया लाई? 4 हो जाए। हो जाए कोई दिक्कत? 100 ग्राम का दाम कितना जाएगा? 40 × 100 / 1000। 3 × 0 = 3 खत्म। आयल कितना? 4 रुपया बन जाए। आए जी ठीक। ये उतारने की जरूरत नहीं है, वीडियो ऑलरेडी लोड हो रहा है, आप घर देखते रहिएगा। हम जब आपको होमवर्क देंगे ना तब उतारिएगा, बनाइएगा, समझिए अभी ठीक है। ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, घर देखिएगा भगा भगा के। चलिए देखिए, अगर ये वस्तु को किसी ने 4 ग्राम के दाम पूछ लिया, कई ग्राम के? 4 ग्राम। ये सबसे ऊ वाला आदमी होता है, वो वाला आदमी जिसको मतलब कोनो काम धंधा नहीं है, वो पूछेगा ये 4 ग्राम ना। आजकल बटखाड़ा बनाता, अब ना एक कोनी धोनी चलाता कि 4 ग्राम के दाम पूछता रहा। एक कोनी धोनी चले उती खान, मतलब एक पैसे दो पैसे चले उती खान 4 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम के दाम पूछे लोग। अब बटखाड़ा वैसन रहे है कि ना, अब कौन लोग हो 50 ग्राम वाला बस बटखड़वा हटा दिल दुकान वाला है कि ना। धोनिया गिने के बाद तो पीसल बा 50 ग्राम ले ला पूरिया ले जा है। अब मीठा पल पीस लोगे चाहे माटी चाहे चोकर धे लोगे 20 रुपये धनिया हो गए रंग मिला दिल हरदी है कि ना का हो ऐसे नहीं होकर। अब हरदी किन बा, हरदी में हरदी बा 200 रुपये किलो। कै रुपये किलो बा? 200 रुपये किलो बा। अब अब कहता हरदी के 5 रुपये का हरदी, 5 रुपये का हरदी हो 200 रुपये किलो हरदी, 5 रुपये हरदी कितना हो अरे जब पीसल बा। अब अंजरा आटा धैले चंपई रंग मिला के धरे लग, आटा में चंपई रंग मिले लग। अब कह रहे जब 5 रुपये का चंपई रंग, अब 1 रुपये का चंपई रंग 2 रुपये के आटा मिला के बेचा गया, कई रुपये में 5 रुपये कई रुपये फायदा भेल तब 3 रुपये फायदा हो गया, फायदा हो गया ना हो गया। तो ऐसे बेचारा है, कला बाजारी ऐसे है। तो चलिए 4 ग्राम का कोई अगर दाम पूछ लेता है तो नहीं पूछना चाहिए उसको, लेकिन फिर भी पूछ लिया है तो ठीक है। बाटा कितना? 1000। 0 × 0 खत्म। 25 × 4 = 100 ठीक है। 25 × 8 = 200 यानी कि यहाँ हम कितना डबल जीरो रख दे रहे हैं तो 400 कटेगा ना। 25 × 8 = 200 कितना होगा? 25 × 4 = 100 और 25 × 8 = 200 तो 2500 हवा है कि ना। 2500 हवा यानी कि 0.16 नहीं और बढ़ेगा, हाँ 16 ठीक है हो जाएगा। हो जाएगा तो यानी कि 4 ग्राम का कितना हो जाएगा? 1 रुपये मतलब 0.16 रुपया है ना, रुपया है बाबू, ये रुपया में आप काउंट कर रहे हैं सारा बात को, इतना रुपया हो जाएगा। पैसा में तो सबसे गुना करके देख लीजिए कितना पैसा हो रहा है कि नहीं, 16 पैसा हो जाएगा। जैसे ही मतलब 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 रुपये ना आ जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। क्लियर? किसी को और परेशानी? अब कोई दाम निकाल सकते हो ना जी? चलिए ये तो रहा बाबू 40 रुपये और 20 रुपये। कोई आया आप इसके पास सफा सोनल दिमाग वाला कैसा? हाँ वैसा दिमाग भगवान केहू के ना देवे ठीक है, सोनल दिमाग वाला होके। अब कहता कि कोनो 2 रुपये कथी बा, 2 रुपये मतलब 1 किलो का दाम है 2 रुपया, 1 केजी का दाम है 2 रुपया। तब पूछा था 50 ग्राम के दाम कितना हो, अब बताओ तो पहले वो तो 2 रुपये ले रख है। अब पूछा तो सोच रहा 50 ग्राम के दाम कितना हो, जब बताओ तो पहले ना कहो संजो कहो कि 5 ग्राम के ना पूछ लो कह है कि ना, संजो कहो कि 5 ग्राम के ना पूछ लो, वो पूछ दी रुक जा कुछ देर में पूछे। तो देखिए
अगर 50 ग्राम के दाम पूछा तो 2 × 50 ग्राम बटा कितना 1000 कर देंगे जीरो से जीरो खत्म। यहाँ देखिए 50 हो गए तो हो जाएगा 5 बटा कितना 50 तो हेंगे कर देता नहीं तो 5 से 5 खत्म 1 बटा है ना 1.0 क्या हो जाएगा 1 रुपया ठीक है हो जाएगा तो इतना रुपया हो जाएगा 50 ठीक है कोई दिक्कत अब कोनो निकल जाएगा बोलो है आगे भी दिक्कत है अभी हम पूछ लेते हैं एक वीडियो पोस्ट करिए।